टारगेट को अचीव करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे इंशाल्लाह। इसी में ना फिर चैंपियंस ट्रॉफी पर आंख दिखाई, बीसीसीआई के साथ साथ आईसीसी को खुली धमकी सुनाई, शुरू हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान में आर पार की लड़ाई। पीसीबी की तरफ से बयान आया आधिकारिक और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या है, आईसीसी ने कुछ बताया है कि बीसीसीआई की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ कंसर्न्स रेज किए गए? कॉन्फ्रेंस हुई है मोहसिन नकवी की के रिटन में दे इंडियन गवर्नमेंट या बीसीसीआई के क्यों नहीं वो आना चाहते हैं पाकिस्तान 2025 को लेकर, चाहे वो भारतीय फैंस हो चाहे फिर वो पाकिस्तानी फैंस हो, अभी हर कोई परेशान है क्योंकि आपको नहीं पता कि चैंपियंस ट्रॉफी कहां होनी है। सीबी ने आईसीसी से वजह मांगा है, उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेज रही है तो आप मुझे इसका वजह दो कि क्यों नहीं आ रही है। कोई भी स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीजें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए। मोहसिन नकवी ने आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई को एक खुला फरमान दे दिया है, खुली चेतावनी दे दी है, एक बड़ी धमकी दे दी है कि भाई आपके जो ना आने की वजह है, जो आपने आईसीसी को कन्वे किया है, वो हमें रिटर्न में पॉइंटर्स दें। अगर इंडिया को कोई इश्यू है तो वो हमारे पास आए, हम उनको जो है रिजोल्व करेंगे। जो कप है वो पाकिस्तान में टूर पर है। आईसीसी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर बातचीत कर रही है और नए प्लान पर काम कर रही है। मोहसिन नकवी ने बोला है कि हम हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है और अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो फिर जो बाकी के इवेंट्स है उसमें पाकिस्तान शरीक नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें मोहसिन नकवी का कहना था कि हम हाइब्रिड बना बिल्कुल नहीं कराएंगे, चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में खेली जाएगी, अगर इंडिया नहीं आती तो उनको हमें रिटर्न में लिख कर देना होगा क्या वजह है वो पाकिस्तान क्यों नहीं चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए आ रही। और मोहसिन नकवी ने आईसीसी को बोला है हमें इंडिया से जवाब लेकर दिया जाए, अगर उनको कोई सिक्योरिटी का मसला है तो वो भी हम दूर करेंगे। जब से ये बयान आया है इंडियन मीडिया में इस वक्त आग लगी हुई है, आइए इस बयान को लेकर भारतीय मीडिया में क्या रद्द अमल आया है, चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें, चलो मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। टारगेट को अचीव करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे इंशाल्लाह। मैं ये बिलीव करता हूं कि कोई भी स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीजें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए और मैं अभी भी अच्छे की तवक्को रखता हूँ। अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है। और दूसरा, अभी भी वो रीस्केड्यूल हुआ है, अभी तक हमें कोई कैंसिलेशन की इतला। इसी में ना फिर चैंपियंस ट्रॉफी पर आंख दिखाई, बीसीसीआई के साथ साथ आईसीसी को खुली धमकी सुनाई, शुरू हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान में आर पार की लड़ाई। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना सिर्फ बीसीसीआई बल्कि आईसीसी को भी अब खुली धमकी दे दी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया का पाकिस्तान ना जाने का ऐलान अब पीसीबी को नागवार गुजरा है और इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर्वे सर्वा हुक्मरान यानी कि मोहसिन नकवी ने आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई को एक खुला फरमान दे दिया है, खुली चेतावनी दे दी है, एक बड़ी धमकी दे दी है। तो क्या कहा है मोहसिन नकवी ने इस बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर और क्यों यह बयान अपने आप में काफी ज्यादा मायने रखता है, चलिए अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर छिड़े घमासान के बीच अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी आर पार के मूड में आ गए हैं। बीसीसीआई द्वारा टीम इंडिया के पाकिस्तान नहीं जाने के ऐलान के बाद अब इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि एशिया कप की ही तरह आगामी चैंपियंस ट्रॉफी को भी हाइब्रिड मॉडल के साथ आयोजित किया जा सकता है। लेकिन आईसीसी हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी के नए शेड्यूल का ऐलान करे उससे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आईसीसी को अपने फैसले के बारे में खुलेआम बता दिया है। मोहसिन नकवी ने साफ कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के हाथ में है और चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं होगा। पीसीबी की तरफ से बयान आया आधिकारिक और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी, जो कि आप कह सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान द मोमेंट बात होती है तो वहां पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आती ही आती है और मोहसिन नकवी सरकार से वहां पर जुड़े हुए हैं, इंटरनल मिनिस्टर भी वो वहां पर है और एक बड़ा क्लोज है जो रूलिंग गवर्नमेंट अगर हम बात करें वहां पर। और अभी जो उनका वर्जन आया है ये भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के बाद उनका एक वर्जन आया है, तो वहां पर भी जो डिस्कशन हुए उसके भी ये इंपैक्ट क्या होगा। हालांकि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करी और जब ये मुद्दा आया कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या है, आईसीसी ने कुछ बताया है कि बीसीसीआई की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ कंसर्न्स रेज किए गए, तो मोहसिन नकवी साहब ने ये चीज कही कि ऑन ट्रैक उनके लिहाज से स्टेडियम्स की चीज है, बट द मोमेंट बात
बात आई चैंपियंस ट्रॉफी की, तो उन्होंने कहा कि हमारा जी कम्युनिकेशन जो है हमें सिर्फ आईसीसी से मतलब है, क्योंकि एक बीच में खबर यह भी आई थी कि पीसीबी ने रिटर्न में बीसीसीआई से भी मांगा है कि भाई आपके जो ना आने की वजह है, जो आपने आईसीसी को कन्वे किया है, वो हमें रिटर्न में पॉइंटर्स दें। इसके बाद आपको हमने बताया भी था कि किस तरीके से बीसीसीआई ने जो आईसीसी की तरफ जो बात जो करी है, वहां पर एक डोजियर भी दिया गया है जहां पर जो सिक्योरिटी इश्यूज रहे हैं पाकिस्तान में हाल फिलहाल में, और क्योंकि एक इंडियन टीम एक हाई प्रोफाइल एक वहां पर टीम के तौर पर जाएगी, जो एक पॉसिबल अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा टारगेट रहेगा जो वहां पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो भी लोग करते हैं, जो अलग अलग जो कैंप्स वहां पर है, और उसी वजह से उन्होंने मना कर दिया था सरकार की तरफ से कि भाई यहां पर हम तो अपनी टीम आपको नहीं भेजेंगे। लेकिन पीसीबी ये कह रहा है कि सारी टीम तैयार है, हमारा मतलब सिर्फ आईसीसी से, हम उनका वेट कर रहे हैं कि वो क्या कम्युनिकेट करते हैं हमें। उन्होंने कहा कि एज ऑफ नाउ हाइब्रिड मॉडल की तरफ वो नहीं देख रहे हैं, उनको पूरी वहां पर उम्मीद है, सब कुछ वो पॉजिटिव है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी वो पूरे तरीके से पाकिस्तान के अंदर ही होगी। अभी लेटेस्ट अपडेट आ रही है, सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मोहसिन नकवी की, जहां पर कई सारी बातें उन्होंने बोली है, इंडिया को नसीहत भी दी है और ये भी स्टेट कर दिया है कि भाई सीटी किस तरीके से कराई जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जिस तरीके की बातें अब तक चल रही हैं कि रिटर्न में दे इंडियन गवर्नमेंट या बीसीसीआई के क्यों नहीं वो आना चाहते हैं पाकिस्तान, वो सारे तमाम मुद्दों के ऊपर मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी चेयरमैन है, उन्होंने अपना एक सजेशन दिया, एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी। पर सीटी हमारे देश में नहीं होती है तो भैया हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपनी कंट्री में ही हम चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कराएंगे, बिकॉज पाकिस्तान का प्राइड गौरव और इज्जत जो है वो हमारी प्रायोरिटी है, कि अगर इंडिया को कोई इश्यू है तो वो हमारे पास आए, हम उनको जो है रिजॉल्व करेंगे, उनको सॉर्ट आउट करेंगे इश्यूज को, कि भाई जो भी इश्यूज हैं बीसीसीआई के या इंडिया के, अभी चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है जो कप है वो पाकिस्तान में टूर पर है, हर जगह जो है वो उसको लेकर जाया जा रहा है सिलेक्टिव एरियाज को जो है वो छोड़ के। सो अब यहां पर जो पहली बात हमेशा होती है कि भाई सीटी किस तरीके से कराई जाएगी, इंडिया आएगा या नहीं आएगा, तो उन्होंने सीधा बोल दिया है चैंपियन ट्रॉफी विल टेक प्लेस इन आवर कंट्री ओनली, वी विल नॉट एक्सेप्ट हाइब्रिड मॉडल। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर चाहे वो भारतीय फैंस हो चाहे फिर वो पाकिस्तानी फैंस हो, अभी हर कोई परेशान है क्योंकि आपको नहीं पता कि चैंपियंस ट्रॉफी कहां होनी है। होस्ट पाकिस्तान है लेकिन अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर खतरे के मॉडल मंडरा रहे हैं। आईसीसी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर बातचीत कर रही है और नए प्लान पर काम कर रही है, सभी को एक साथ लाने पर विचार। और आईसीसी का यह मानना है कि देखिए ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, ये पाकिस्तान को राइट्स मिले हुए हैं तो वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से किसी भी देश का अपमान हो, क्रिकेट एक साथ होना चाहिए, तो ऐसे में आईसीसी पीसीबी और बीसीसीआई को एक साथ लाना चाहती है। पीसीबी ने आईसीसी से वजह मांगा है, उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेज रही है तो आप मुझे इसका वजह दो कि क्यों नहीं आ रही है टीम इंडिया, अगर कोई एक स्पेसिफिक रीजन है तो उस पर हम जाके बात करेंगे, कोई वजह तो होगी ना, अगर सिक्योरिटी थ्रेट का मामला है तो ठीक है आप अपने डेलीगेट्स को पाकिस्तान भेजें और वहां पे हम जो है इंतजाम करेंगे सब चीजों का, आप देखें सेटिस्फाई नहीं होंगे तो और बेहतरी करने की कोशिश करेंगे, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और वहां की मीडिया ने कहा था कि ऐसे ऐसे चीज, अगर डिप्लोमेटिक रीजन की वजह से आप नहीं आ रहे हैं तो फिर वो एक अलग मुद्दा आ जाता है, फिर वहां पर बहुत चीजें निकलेंगी। तब की बात जो है मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने यही बात कही है कि भाई मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया किसी से भी। मोहसिन नकवी ने बोला है कि हम हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है और अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो फिर जो बाकी के इवेंट्स है उसमें पाकिस्तान शरीक नहीं करेगा और इसके लिए तैयार नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।